ज़्यादा जो है हो सके हम लोग दवाइयाँ भी जो है फ्री उन मरीजों को दें कि उन लोगों को जो है बाहर से खरीदना ना। इन लोगों ने जितने भी लोग बिलो पॉवर्टी लाइन के हैं उनको ऊपर उठाने के लिए उनको एजुकेशनल, सोशल, हेल्थ सब में उसके मुआशरे को ठीक। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, ये एक तंजीम चलाते हैं लोग जिसका नाम है मुसलमाना ने बेतिया के नाम से एक तंजीम चलती है। आज हम मौजूद हैं यहाँ किशनबाग के इलाके में एक सू पार्क वाले इनाम साहब उनके घर पे। ये मीटिंग इसलिए किया गया है कि यहाँ पे ये लोगों का प्लान चल रहा है कि मेगा कैंप लगाने के लिए, हेल्थ चेकअप के लिए और ब्लड डोनेट कैंप के लिए। इसके बारे में जानेंगे कि ये क्यों किया जा रहा है और कब करने वाले हैं, ये सब बताएंगे हमको। इंसानियत के नाम पे ये लोग कुछ अच्छा काज करने जा रहे हैं, इसके बारे में ये जानते हैं। सबसे पहले नाम? हाँ जी, मेरा नाम आफ्ताब आलम हुआ और आज का जो हम लोग बैठे हुए हैं, आपको जानकारी होनी चाहिए कि ये कैंप जो है हम लोग अगले महीने ही रखे हुए थे। अगले महीने की पिछले महीने? हाँ वही पिछले महीने रखे हुए थे, लेकिन कोरोना के वजह से जो है उधर इलेक्शन के वजह से जो हम लोग जो है ना उसको टाइम को बदल करके और ये आने वाले 29 तारीख को हम लोग जो है अपना मेगा कैंप लगा रहे हैं, हेल्थ चेकअप करा रहे हैं। हम लोग ये प्रोग्राम अपने हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्मदिन के मौका से ये प्रोग्राम को कर रहे हैं और इसीलिए हम लोग आज बैठे हुए हैं सभी लोग। और आज हम लोगों ने इतने डॉक्टर्स होंगे उसमें और क्या क्या आप फैसिलिटीज देंगे उस मेगा चेकअप? मेगा कैंप के अंदर जो भी बच्चों को, जो भी लोग जो है ब्लड डोनेशन करेंगे, ब्लड डोनेट करेंगे या और भी जो है चेकअप जो है, और भी लोग जो आएंगे जिनका और भी ज़्यादा दांत का प्रॉब्लम हो चाहे और भी कोई प्रॉब्लम हो, हर किस्म के डॉक्टर आपके पास अवेलेबल होंगे? बहुत सारे डॉक्टर्स से कांटेक्ट किए हुए हैं और कर रहे हैं, और हमारे डॉक्टर साहब इंतजारुल हक साहब जो हैं वो भी जो है इसकी जिम्मेदारी सबसे डॉक्टर लोगों से मिलने और उन लोगों को बुलाने की जिम्मेदारी उनके जिम्मे है। ये बहुत अच्छा काम है। और उसमें क्या दवाइयाँ भी फ्री दी जाएंगी? हमारी ये कोशिश होगी कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है हो सके हम लोग दवाइयाँ भी जो है फ्री उन मरीजों को दें कि उन लोगों को जो है बाहर से खरीदना ना पड़े, इसकी कोशिश हमारी जारी है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि इंतजारुल हक जी जो डॉक्टर हैं इनसे जानते हैं कि इन्होंने किस तरीके का इंतजाम किया, ये क्या अपनी तरफ से फ्री सेवा करेंगे। सर डॉक्टर साहब बताइए कुछ क्या करेंगे? मैं डॉक्टर इंतजारुल हक, सबसे पहले तो मैं यहाँ के नौजवानों को का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने यहाँ के पसमंदा मुसलमानों के लिए, उनके बच्चों के लिए, उन घरों के लिए एक तंजीम बनाई जिस तंजीम का नाम है मुसलमान बेतिया। इस तंजीम के तहत इन लोगों ने जितने भी लोग बिलो पॉवर्टी लाइन के हैं उनको ऊपर उठाने के लिए उनको एजुकेशनल, सोशल, हेल्थ सब में उसके मुआशरे को ठीक करने के लिए उन्होंने बेड़ा उठा रखा है। किस लिए, मतलब पूरे इंसानियत के लिए सब कम्युनिटी के लोग हैं या फिर सिर्फ किस तरीके के लोग हैं इसमें? इन लोगों का कहना है कि मैं मुसलमानों की एक तंजीम हूं जिसमें सारे लोग आएंगे और हम जो अपने सोसाइटी के अंदर वीकर सेक्शन है जिसमें बिसाइड्स के कोई भी मज़हब नहीं है, इसके अंदर ना हिंदू हो, ना मुस्लिम हो, ना सिख हो, ना ईसाई हो, इंसानियत एक मज़हब है, उस मज़हब के तहत हम लोगों को काम करना है। और इन लोगों ने जो बहुत ही अच्छा काम किया जिसको देखते हुए, वैसे मैं क्या अच्छा काम किया कुछ एक दो काम बताएंगे? मैं बता रहा हूँ कि इसको देखते हुए मैं बेतिया के लायंस क्लब से, रेड क्रॉस से, यतीम खाना से, बहुत सारी संस्थाओं से मैं जुड़ा हुआ हूँ और वहाँ भी मैं काम करता हूँ। जब इन लोगों का काम देखा और इनको मदद की ज़रूरत हुई तो मैं इनकी तरफ से मुतासिर होकर इनकी तरफ आया हूँ। इन लोगों ने अभी सबसे पहले कोरोना काल में 10 ऑक्सीजन सिलेंडर ख़रीदा और ज़रूरतमंदों को ये फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ जाकर पहुँचाकर ऑक्सीजन की सेवा इन्होंने दिया है। बहुत ही अच्छा कार्य है ये। और जैसे अब इन लोगों ने ये किया है कि बहुत सारे लोग परदेश में रहते हैं, मैयत होती है, मर जाते हैं, मुर्दे उनके घर पे रहते हैं जिनको दो दिन एक दिन रखना पड़ता है, इसलिए कि परदेश से लोग आते हैं तो ऐसी ज़रूरत में उन लाशों को जो थी रखने के लिए, जिसको हम लोग मैयत कहते हैं, रखने के लिए एक ऐसी भी था कि कफिन जो हो एसी हो जिसमें रखा जा सके, दो दिन, तीन दिन, चार दिन रह सके और ख़राब भी ना हो, तो इन लोगों ने उसका भी इंतज़ाम किया है। तो और बच्चों के तालीम का इंतज़ाम किया है। अभी प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम पैदाइश के मौके पे
इन लोगों ने गरीबों में राशन कपड़ा बहुत सारी चीज़ें तकसीम की हैं जी। जैसा कि आप सुन रहे थे, ये डॉक्टर साहब थे इंतजारुल हक, इन लोगों ने मुसलमानों ने तंजीम जो नाम है मुसलमानों ने बेतिया की तरफ से, ये लोग और भी बहुत सारा काम कर चुके हैं जो इंसानियत के नाम पे, कुछ टेम्पू वगैरह का भी इंतजाम किए थे लोग शायद आप लोग, और फिर बच्चों का अंदर माने किताब कॉपी भी बांटा गया था। हाँ हाँ, तो अब ये है कि इन लोगों का कहना है कि हम लोग एक ब्लड डोनेशन कैंप रखेंगे। ब्लड डोनेशन इसलिए करना ज़रूरी हो गया कि MJK अस्पताल में कोरोना की वजह से लोगों का इस साल डोनेशन नहीं हुआ है और ब्लड की कमी हो गई। तो इन लोगों ने प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौमे पैदाइश में रखा था, लेकिन चूंकि उस टाइम में इलेक्शन हो रहा था तो हम लोग किसी तरह का विवाद में नहीं पड़ना चाहते थे, इसको हम लोगों ने एक्सटेंड करके 29 तारीख को रखा है। और इसी 29 नवंबर को हम लोगों ने रखा है और उसी दिन हम लोग एक मेगा कैंप करेंगे। कौन सी जगह होगी जहाँ पे आप लोगों ने ये काम? हम लोग इमामबाड़ा बेतिया में कालीबाग में हम लोगों ने रखा है और मेगा हेल्थ चेकअप भी रखा है वहाँ पे। बहुत सारे हमारे जरिए से और IMA के जरिए से बहुत सारे डॉक्टर्स आएंगे जहाँ हम लोग फ्री हेल्थ चेकअप भी करेंगे, कोरोना के डिस्टेंसिंग को मेंटेन भी करेंगे, लोगों को मास्क रखना, हैंड सैनिटाइजर के बारे में भी समझाएंगे, दवाइयाँ भी देंगे। चूँकि लोगों में एजुकेशन की बहुत कमी है, अभी भी वो नहीं समझ पा रहे हैं कि कोरोना जो COVID-19 है ये कैसे फैलता है, कैसे क्या होता है, क्राउड में जाना है, मास्क क्यों ज़रूरी है। हम लोग बराबर कहते हैं कि 2 गज की दूरी, मास्क ज़रूरी, या सैनिटाइज़ कीजिए, खाने से पहले बाद में भी हाथ धोइए, ये सारी चीज़ों के भी बारे में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये काफ़ी लोग यहाँ से माने अपने फ़ायदे को उठा सकते हैं जो भी ज़रूरतमंद है, और अब यहाँ पे मेगा चेकअप में अपना दवाई वगैरह सब फ्री है, डॉक्टर का चेकअप वगैरह सब फ्री है। और